हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड राखी। आज मैं अपना एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उससे पहले एक ज़रूरी बात, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या करना चाहती हूँ मैं। कल रात मैंने घी बनाए थे। घी बनने के बाद जो वेस्ट पार्ट बच जाता है फ्रेंड्स, अक्सर लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन मेरी दीदी बचपन के दिनों में मुझे उसमें सत्तू और शक्कर मिलाकर दे दिया करती थी खाने के लिए, और मैं बड़े मज़े से खाती थी। तो मैंने सोचा आज क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो मैं आज रवा का हलवा बनाने जा रही हूँ, सूजी का हलवा। तो उसको किस तरह से बनाना है चलिए देखते हैं। ये वेस्ट है फ्रेंड्स बचा हुआ, इसको गैस पे चढ़ाती हूँ मैं। उसमें एक कप दूध मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छे से पका लेते हैं। देखिए दूध अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये खोए की तरह होने लग गया है फ्रेंड्स। हो चुका है ये खोआ। तो अब हम इसको एक तरफ रखेंगे। एक पैन में मैंने एक चम्मच घी ले लिया है, उसमें एक कप सूजी फ्राई कर लेती हूँ। सूजी को मैं लाइट गोल्डन होने तक ही फ्राई करूँगी फ्रेंड्स। हो गया है, अब इसको इस खोए में मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें एक कप चीनी यानी शक्कर मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा पानी भी मिक्स करने जा रही हूँ। शक्कर मिक्स हो चुका है, थोड़ा थोड़ा करके एक कप पानी मैंने ऐड कर लिया फ्रेंड्स। ये भी सूख चुका है, मुझे लगता है इसमें और भी कुछ चाहिए। तो अब थोड़ा सा दूध ऐड कर लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स मैं आधा कप दूध ऐड कर रही हूँ, बहुत सारा नहीं मिक्स करूँगी वरना ये गीला हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। अभी मैंने थोड़ा सा शेंगदाने का कूट और इलायची पाउडर मिक्स किया है। मैं इसको बहुत महंगा नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं कर रही हूँ। हलवा तैयार हो चुका है, आप चाहे तो उसे वैसे ही खाएं। मैं उसको थोड़ा बर्फी आकार देना चाहती हूँ, इसलिए एक थाली में घी लगा दिया है, उस पर फैला रही हूँ। ये देखिए इस शेप में मैंने उसको फैला दिया है। अब इसको ऊपर से थोड़ा सा खोबरा किस फैला रही हूँ। अब इसको बर्फी के आकार में काट लूंगी। ये कट गया हमारा बर्फी आकार, और ये हो गया दिल का आकार। फ्रेंड्स मुझे दिल का शेप बहुत पसंद है, इसलिए मैं वो भी कर लिया मैंने। ये देखिए बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, मैंने खाकर भी देख लिया, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।